हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राधा की रसोई में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिक्स चाट की रेसिपी, जो खाने में काफ़ी टेस्टी और हेल्दी है। इसको बनाना भी काफ़ी आसान है, तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। मिक्स चाट बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है ये रोसे हैं, कोई रोसे कहता है वैसे लोबिया के, ये वो हैं दाने, लुबिया के दाने थोड़े से लिए हमने। और यहाँ स्वीट कॉर्न लिया है थोड़े से, ये हमने मटर लिए हैं वाइट वाले, और ये चने थोड़े से, और ये मूंगफली के कच्चे दाने। इनको हम सबको कुकर में डालकर दो सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे, फिर बनाएंगे इसकी चाट। और बहुत ही टेस्टी चाट बनकर तैयार होती है और बहुत ही हेल्दी। और यहाँ देखिए, हमने इसको बॉईल कर लिया है दो तीन सीटी लगाकर। इनको हम ओवरनाइट हमने भिगो कर रखा था, ओवरनाइट भिगोने से ये काफ़ी अच्छे बॉईल होते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। इनको हमने थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल कर लिया था। और यहाँ हम डालेंगे चाट में, हम सारे इंग्रेडिएंट्स पहले से ही बता देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो बनाने में। तो चलिए हम बताते हैं चाट में क्या क्या पड़ेगा। ये आलू हमने बॉईल करके छोटी छोटी सी पीस कट कर लिए हैं, नींबू का रस, चाट मसाला, हरी धनिया, टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में हमने कट किए हैं। ये हमने प्याज लिया है, प्याज को हमने चॉपर से चॉप किया है क्योंकि ये थोड़े से बारीक अच्छे लगते हैं। ये भुंजिया, आप आलू की, बेसन की कोई सी भुंजिया ले सकते हैं। यहाँ पर हमने आलू की भुंजिया ली है, ये क्रंची होती है। और ये थोड़ी सी गाजर, और ये सौंठ वाली मीठी चटनी इमली की। यहाँ पर हमने ग्रीन चटनी बनाई है, ये हरी धनिया की, थोड़े से हरे मिर्च। और यहाँ लिया है एक मिक्सिंग बाउल, इसमें हम ये जितने हमने ये बॉईल किए हैं ये सारा हम इसी में डाल देंगे, थोड़ा सा हम बचा लेंगे। और सभी चीज़ों को हम इसी में थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे, बाकी हम ऊपर से डालेंगे। थोड़ी सी गाजर थोड़ा थोड़ा सा ही बचाएंगे ऊपर से डालने के लिए, और थोड़ा सा प्याज बचा लेंगे। यहाँ पर हमने प्याज भी डाल दिया, और टमाटर भी हम ऊपर से डालेंगे थोड़े, और यहाँ पर थोड़ी सी हरी धनिया। और यकीन मानिए बहुत टेस्टी चाट बनती है इसकी, आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ हम आलू डाल देंगे, आलू भी इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। और सभी को डालने के बाद यहाँ हम क्या करेंगे, नींबू का रस डालेंगे, और ये चाट मसाला डालने के बाद थोड़ा सा स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने चटनी में भी डाल रखा है और चाट मसाला में भी नमक होता है। और थोड़ा सा डालेंगे हम भुना हुआ जीरा पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है चाट का। अब हम इसमें डालेंगे ये ग्रीन वाली चटनी, इसका तो टेस्ट ही अलग होता है, इसी से इसमें चाट में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ हम डाल देंगे थोड़ी सी मीठी चटनी, और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बहुत ही झटपट से बन जाती है ये चाट, और आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार, और फिर कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगती है ये चाट। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी भुंजिया, बहुत अच्छी लगती है भुंजिया सेव इसमें,
और ये थोड़े से मोटे वाली हैं, ये भी आलू के हैं और ये चावल के हैं। इनको हमने घड़ी में बनाया है, आप लोगों तक शेयर करेंगे इसको भी, और इन सभी को मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च हम नहीं डालेंगे अभी, क्योंकि हरी मिर्च जब किसी को खाना होगा तब वो जिसको चाहिए होगा वो खा लेगा डालकर ऊपर से, क्योंकि बच्चे भी हैं, अगर हम हरी मिर्च डाल देते हैं तो बच्चों के मुंह में आएगी, बच्चों को तीखा लग जाएगा, हमने नहीं डाली है। ये देखिए चाट बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है और बहुत ही टेस्टी। और यहाँ हम चाट को दोनों में सर्व करेंगे, दोने में बहुत अच्छी लगती है चाट, इसका दोने में खाने का मजा ही कुछ और है, इसको हम इसी में सर्व करेंगे। चलिए सर्व कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से प्याज। प्याज डालने के बाद हम डालेंगे इसमें थोड़े से टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़े से हरे मिर्च, क्योंकि आप ये जो जिसको खाना होगा वो ऐसे खा लेगा। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी गाजर, और गाजर डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी आलू। अब हम इसमें डाल देंगे सेव भुजिया। थोड़े से हम डालेंगे इसमें मोटे वाले सेव, ताकि ये देखने में भी सुंदर लगने लगे और खाने में तो टेस्टी है ही, हेल्दी भी है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे दो तीन टमाटर और डाल देंगे, ताकि हल्का सा टेम्पटिंग लगने लगे। अब इसमें हम डालेंगे ये ग्रीन वाली चटनी थोड़ी सी, और ग्रीन वाली चटनी डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें सौंठ वाली चटनी थोड़ी सी, और थोड़ी सी भुजिया हम ऊपर से और डाल देंगे। ये देखिए, और चाट हमारी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। अब डालेंगे इसमें हम थोड़ी सी हरी धनिया। हरी धनिया से इसका लुक चेंज हो जाता है, बहुत ही अच्छा लुक लगता है। ये देखिए, और चाट हमारी बिल्कुल तैयार है, खाने के लिए रेडी हो गई है। आइए आप लोग भी खाइए आकर। अगर ये हमारी मिक्स चाट की रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।